iGov Daily Digest की इस कड़ी में आपका स्वागत है। जून 3, 2021। 3 जून को दुनिया भर में वर्ल्ड बाइसाइकिल डे मनाया जाता है। यूएन ने साल 2018 में इस दिन को घोषित किया था। इस बार वर्ल्ड बाइसाइकिल डे 2021 की थीम यूनिकनेस, वर्सिटिलिटी, लॉन्जिविटी ऑफ द बाइसाइकिल एंड सिंपल सस्टेनेबल एफोर्डेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रखी गई है। ये थीम कोविड के इस दौर में लोगों को साइकिल चलाने और हेल्दी रहने के लिए प्रेरित करती है। कोविड के इस दौर में हेल्दी रहने के साथ हम आशा करते हैं कि आप सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का भी पालन कर रहे होंगे। कोविड से जुड़ी अन्य खबरों में देश में एक्टिव कोविड केसेस और नए मामलों में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है। पिछले 24 घंटे में जहां सक्रिय मामलों में करीबन 1,00,000 की गिरावट देखी गई है, वहीं लोगों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने उठाए हैं कई अन्य कदम। अब आप अपने व्हाट्सएप पर एक्सरे सेतु व्हाट्सएप बॉट का प्रयोग कर कोरोना से संबंधित डायग्नोसिस प्राप्त कर सकते हैं। एक्सरे सेतु व्हाट्सएप बॉट से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं www.xraysetu.com या सीधे 804-616-3838 नंबर पर व्हाट्सएप करके एक्सरे सेतु सर्विस को स्टार्ट कर सकते हैं। कोविड के डायग्नोसिस के साथ साथ कोविड वैक्सीन की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कोविड-19 की वैक्सीन की 30 करोड़ खुराकों के लिए बायोलॉजिकल ई के साथ अग्रिम व्यवस्था को अंतिम रूप दे रही है। बायोलॉजिकल ई के साथ किए जा रहे प्रयास भारत सरकार के उस बड़े प्रयास का हिस्सा है जो स्वदेशी वैक्सीन निर्माताओं को प्रोत्साहन देने के लिए लिए जा रहे हैं। अब कोविड-19 से जुड़े भारत सरकार के प्रयासों, लेटेस्ट अपडेट्स, इंफॉर्मेशन और नोटिफिकेशंस के लिए हमें विजिट कर सकते हैं www.mygov.in पर। MyGov पे विजिट करके ऊपर दिए गए कोविड-19 आइकन पर क्लिक कीजिए और पाइए सारी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन। MyGov डेली डाइजेस्ट से जुड़ने के लिए आप अपने सुझाव क्वेश्चंस हमसे शेयर कर सकते हैं MyGov फेसबुक, ट्विटर, कू और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। MyGov डेली डाइजेस्ट की इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।